हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दे दी। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर जबरदस्त हमले किए। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह से लेकर पवन खेड़ा तक सब ने सरकार को कोसा, कहा मोदी राहुल गांधी से डर गए हैं, सरकार भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से परेशान हो गई है, इसीलिए अब राहुल गांधी को यात्रा को रोकने के लिए कोरोना को बहाना बनाया जा रहा है। असल में कल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से राहुल गांधी को एक चिट्ठी भेजी गई थी। इस चिट्ठी में कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है, इस यात्रा में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने दें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और यह सुनिश्चित कराएं कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली है वही यात्रा में शामिल हों। बस इसी बात पर कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी की कॉपी लहराते हुए सामने आकर कहा, देखो यह असर है भारत जोड़ो यात्रा का, बीजेपी डर रही है, यात्रा रोकने की साजिश की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है लोगों का जोश भी बढ़ रहा है और ये बीजेपी और संघ की आंख में खटक रहा है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका षड्यंत्र है। हम लोग सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ये प्रयास है, जो मोमेंटम प्रदेश में मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी घबराए हुए हैं, संघ घबराया हुआ है, इसलिए ये उनका कुटिल प्रयास है। चूंकि हेल्थ मिनिस्टर की चिट्ठी कल की तारीख में लिखी गई थी, उस वक्त राहुल गांधी यात्रा राजस्थान में थी, इसलिए दिग्विजय सिंह के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले। अशोक गहलोत ने कहा, यह चिट्ठी बीजेपी के डर और राहुल गांधी के प्रति लोगों के भरोसे का सबूत है। इस तरह की हरकतें केंद्र सरकार को शोभा नहीं देती। ये हालात क्या कि जब बौखलाहट है, दो मेंबर पार्लियामेंट, एक पीपी चौधरी पाली के, एक न्याय सिंह जी गंगानगर के, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को, कल ही लिख रहे लेटर, अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की भी, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी। ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामना है देश के सामने। मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का, तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार। कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बोले। उन्होंने कहा, जब कोरोना चरम पर था उस वक्त बीजेपी ने यूपी, बिहार और बंगाल में इलेक्शन करवा दिए, रैलियां की, तब कोरोना का डर क्यों नहीं था। भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी किसी न किसी बहाने से राहुल गांधी की यात्रा को रोकना चाहती है, ये चिट्ठी इसका पहला कदम है। यात्रा रोकने एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए, अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। कांग्रेस के नेताओं की बात सुनते हैं तो उनके सवाल, उनके इल्जाम जायज लगते हैं। हर किसी के मन में सवाल है, जब कहीं भी कोरोना का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी। इस सवाल का जवाब चिट्ठी पढ़ने से मिलेगा। चिट्ठी में सबसे पहली दो लाइनों में लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान के तीन सांसदों ने हेल्थ मिनिस्ट्री को खत लिखकर शिकायत की। इन सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैल सकता है, क्योंकि इस यात्रा में कोरोना पॉजिटिव लोग भी शामिल हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिक्र किया गया।
सुक्कू हिमाचल में कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, राहुल गांधी से गले भी मिले थे और उसके अगले ही दिन वो कोरोना पॉजिटिव निकले। इसी आधार पर 3 सांसदों ने राहुल गांधी यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश देने की मांग की थी। जिन सांसदों ने हेल्थ मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी उनमें से एक हैं पीपी चौधरी, राजस्थान की पाली लोकसभा सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पीपी चौधरी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की मांग नहीं की जा रही है, सिर्फ यह कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। जब हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने पीपी चौधरी से पूछा कि राजस्थान में बीजेपी ने भी तो जन आक्रोश रैली निकाली थी, तब कोरोना नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया था, तो उन्होंने कहा अगर राजस्थान सरकार कहती तो हम उसकी बात जरूर मानते। ये पूरे राजस्थान और पूरे देश की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये देश के जनहित में लिखी गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव होते हुए भी राहुल गांधी के साथ में 14 किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित रहे, उनके गले भी मिले और लोगों भी हजारों लोगों से वो गले मिले। तो आप सोच सकते हैं कि वो संक्रमण जो है वो कोविड है वो कितने लोगों को आगे पहुंचाया होगा। तो इसीलिए हमने चिट्ठी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी भेजी कि ये जो है इस तरह की यात्रा कोविड की गाइडलाइन के तहत की जावे, वो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको सम्मिलित नहीं करें और राहुल गांधी खुद अपना टेस्ट करें कहीं वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो। राजस्थान के हर एक विधानसभा में आप लोगों ने जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, उस समय कोविड नहीं फैल रहा था, भारत जोड़ो यात्रा से कोविड फैल रहा है। देखिए राजस्थान में आप एक केस भी बता दें कि उसमें हमारे साथ में कोविड पॉजिटिव था, अगर कुछ इस तरह की बात आती तो हम उसको आइसोलेट करते, हम लोगों की टेस्टिंग करवाते और कोविड गाइडलाइंस की पूरी पालना करते हैं और वैसे भी जो जन आक्रोश यात्रा है वो पूरी हो चुकी है, अब उसमें कुछ रहा नहीं। और इस तरह का अगर होती तो हम भारत सरकार के द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का पालना करते, राजस्थान सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस की पालना करके ही करते। बीजेपी के एमपी को राहुल गांधी की सेहत की इतनी चिंता हो ये देखकर हैरत होती है। और दूसरी बात ये राजस्थान में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली, तेलंगाना कर्नाटक में भी बीजेपी के नेता यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं ने इसी बात को मुद्दा भी बनाया। पवन खेड़ा ने कहा अगर सरकार को कोरोना की इतनी ही चिंता है तो सबके लिए नियम एक जैसे बनाए, सेलेक्टिव टारगेटिंग का मतलब है कि सरकार डर गई है। अगर भाजपा को या भाजपा की सरकार को देश की चिंता होती तो इस तरह का पत्र सतीश पूनिया को भी लिखते, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में, इस तरह का पत्र कर्नाटक भाजपा को भी लिखते, वो अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं। और मास्क कंपलसरी करते हवाई यात्रा में सार्वजनिक स्थानों पे, वो सब नहीं कर रहे, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो मंशा स्पष्ट है, उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। वो परेशान हो रहे हैं इतनी भीड़ क्यों आ रही है। मैं मानता हूं जन आक्रोश यात्रा में इतनी भीड़ नहीं आ रही होगी, मानता हूं, क्या जानता हूं कि नहीं आ रही, लेकिन सरकार को चाहिए कि नियम बनाए, उसका कड़ाई से पालन हम सब करेंगे। आप नियम तो घोषित कीजिए, आप नियम नहीं घोषित करें, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर की चिट्ठी से राहुल गांधी की यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, यह यात्रा अब राजस्थान से निकलकर हरियाणा में पहुंच गई है, इस वक्त नूह में है। यात्रा के दौरान हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी से बातचीत करते हुए जयराम रमेश ने कुंभ से लेकर राज्यों के सारे इलेक्शन गिना दिए और कहा कि पहले सरकार की गलतियों से कोरोना फैला, अब सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कोरोना के डर का इस्तेमाल कर रही है, ये चिट्ठी इसी का सबूत है। वो किस आधार पर बता रहे हैं? राजस्थान के कुछ सांसद जिसमें पीपी चौधरी शामिल हैं, वो घबराए हुए हैं, भौखलाए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा की भारी सफलता से राजस्थान में। वो खत लिखते हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी जी को लिखते हैं। तो क्या है इसमें, इसका आधार क्या है, इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है? देखिए यही है पार्टी जो कुंभ मेला को एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बनाई, यही वो पार्टी है जिसके नेता फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया था, आयोजन किया था, और यही वो पार्टी है जो मार्च 2020 में
चेतावनी और सावधानी के बावजूद उन्होंने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन में देरी लगाई ताकि कमलनाथ की सरकार वो गिरा पाए। उसके बाद ही लॉकडाउन लगा। स्वास्थ्य के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक जानबूझकर भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें कुछ है, हमें प्रोटोकॉल का पालन करना है, तो प्रोटोकॉल प्रकाशित कीजिए, पार्लियामेंट को एडजर्न कराइए, हमारे हवाई जहाज में मास्क पहनने के लिए अनिवार्य कीजिए, और जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उस पर जो सीमाएं लगाई गई थी 2020 में और 2021 में वो वापस लाइए। प्रोटोकॉल सबको लागू होना चाहिए। जब कांग्रेस के नेताओं ने इतने सारे इल्जाम लगाए, इतने सारे सवाल पूछे, तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया कैमरे के सामने आए। मांडविया ने कहा वो देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो सिर्फ एक परिवार की चिंता नहीं करते, उनका काम पूरे देश की चिंता करना है, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को सिर्फ सलाह दी है। मनसुख मांडविया ने कहा राजस्थान के एमपीज की चिट्ठी के आधार पर एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई। यात्रा पर रोक लगाने की कोई बात नहीं है, लेकिन हालात को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहने में क्या गलत है? कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया, और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोर्ट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर है, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते? यही उसकी मानसिकता हो तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वैसे इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोले। नीतीश ने कहा जब बीजेपी के नेता यात्रा निकालते हैं तो सरकार को कोरोना नहीं दिखता, इसीलिए लग रहा है कि कोरोना के बहाने कांग्रेस की यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है। हम लोग तो अभी भी सक्रिय है, लेकिन बीच में तो पूरा का पूरा छोड़ दिए थे, और अभी तो बिहार में देश में तो घटते चला जा रहा है, ज्यादातर राज्यों में तो खत्म हो चुका है, कुछ ही राज्यों में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अब इसकी संभावना तो कभी भी कुछ होता है तो काहे बीच में कह दिए थे कि इसके बारे में सोचना नहीं, अब आजकल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कांग्रेस के लोग अपना यात्रा कर रहे हैं तब उसी समय ये कर रहे हैं। अब सबको अपना अधिकार है, कई लोग यात्रा नहीं करते हैं, लोग तो यात्रा ही करते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने मांग किया सर यात्रा को रोकने के लिए, तो वही तो कह रहे हैं, तो खुद भी तो यात्रा करते रहते हैं, अब खुद क्या करते हैं। मनसुख मांडविया ने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन इतना कहना पड़ेगा कि उन्होंने सही बात गलत मौके पर कह दी और कांग्रेस को बोलने का अवसर दे दिया। ये सही है, देश के सामने कोरोना का खतरा है, ये भी सही है, सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए चिट्ठी लिखने से खामखा विवाद खड़ा हो गया। इस लेटर को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, जो सियासत हो रही है, उससे कोरोना के खतरे की गंभीरता कम हुई है, इसीलिए इस वक्त ऐसे विवाद से बचना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने हेल्थ मिनिस्ट्री की चिट्ठी को सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा से जोड़ा, वो भी असली मुद्दा भूल गए। असली बात कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कही। मनीष तिवारी ने कहा सरकार इस तरह की चिट्ठियां लिखने के बजाय चीन से आने वाले खतरे पर ध्यान दे, राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के बजाय चीन से आने वाली फ्लाइट्स को रोके,
क्योंकि इन फ्लाइट्स के जरिए वायरस हमारे देश में तेजी से पहुंच सकता है। चीन में जिस तरह के चलचित्र बाहर आ रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि वहाँ पे अस्पतालों में जो उनकी मोर्चरीज है और जो हेल्थ सिस्टम है वो कम्प्लीटली दबाव में है, ओवरवेल्म हो गया है। और इस परिस्थिति में मैंने ये मांग की है कि सबसे पहले हमको चीन से जो हवाई जहाज आ रहे हैं या चीन जा रहे हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा अप्रैल में, इसके अलावा अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, इन सभी मुल्कों में जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि 21 अप्रैल 2021 में जिस तरह से एकदम कोविड की लहर आई और बहुत तबाही हो गई थी, उससे बचने की जरूरत है। ये बात सही है कि मनसुख मांडविया ने जो चिट्ठी लिखी उसको कांग्रेस ने इशू बनाया, ये उनका अधिकार है। लेकिन बार बार ये कहना कि मोदी घबरा गए हैं, डर गए हैं, ये ठीक नहीं है। आजकल ये फैशन हो गया है, जिसको देखो कहता है मोदी डर गए हैं। राहुल गांधी कहते हैं मोदी चीन से डर गए हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मोदी राहुल की यात्रा से डर गए हैं, केजरीवाल गुजरात में कहते थे उनकी पार्टी की जीत होने वाली है इसलिए मोदी डर गए हैं। ये राहुल को भी पता है, केजरीवाल को भी पता है और चीन को भी पता है कि मोदी किसी से नहीं डरते, डरना उनकी फितरत में नहीं है। चाहे जो बाइडन हो या पुतिन हो, मोदी का रिकॉर्ड है आंख में आंख डालकर बात करते हैं। और इस बात को हमारे यहां के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।